मोहाली में एक दंपत्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में 6 हुई अब मरीजों की तादाद। कुछ दिन पहले यूके से लौटी थी दंपत्ति। दरअसल पहले पति और बाद में पत्नी में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। आइसोलेशन वार्ड में दोनों का इलाज जारी है और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 724 पहुंच गई है। तो वहीं मोहाली से ये पूरा मामला सामने आया, जहां मोहाली में एक दंपत्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 पहुंच गई है। कुछ दिन पहले यूके से लौटे थे दंपत्ति। और बज्म हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। बज्म, क्या जानकारी मिल पा रही है जो दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए इनके बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि जो एक महिला है वे अब पॉजिटिव पाई गई हैं। आपको बता दें उनके पति जो है अमनदीप, बताया जा रहा था उनका नाम, जो कुछ समय पहले ही यूके से लौटे थे और वही जो है पहले पॉजिटिव आए थे। मोहाली में जो पहला पॉजिटिव मामला आया था सामने, वो उन्हीं व्यक्ति का मामला सामने आया था, जिसके बाद जब और उनके आसपास के परिवार परिजन जो थे या उनके जो पड़ोसी थे जिनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी, उनको जो है वो क्वारंटाइन के लिए रखा गया था। लेकिन क्योंकि पत्नी जो सबसे क्लोज होती है, परिवार के लोग सबसे क्लोज होते हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया था। जब पत्नी की जो है वो रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें यही आया है कि पत्नी को भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद जो आंकड़ा 5 था मोहाली के अंदर वो अब 6 हो गया है। आज ही इस चीज की पुष्टि जो है मोहाली के सिविल सर्जन ने कर दी है कि महिला को भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उनको उनका जो इलाज है, जिस तरीके से पंजाब सरकार ने ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज में जो है 300 बेड का जो है वो अस्पताल बनाया था, आइसोलेशन वार्ड बनाया था, तो उसमें उसका जो इलाज जो है फिलहाल चल रहा है। और दोनों पति पत्नी की जो है वो पहले ही पुष्टि कुछ दिन पहले हो गई थी और अब पत्नी की भी पुष्टि हो गई है, जिसके चलते अब आंकड़ा जो है वो एक और बढ़ गया है। यानी पहले जो मोहाली में 5 आंकड़े थे, अब वो आंकड़ा बढ़कर 6 हो गया है। जी बिल्कुल। बस एक छोटा सा सवाल और आपसे करेंगे कि परिवार में कौन कौन लोग हैं इनके? देखिए परिवार में जो है वो यही बताया जा रहा है कि परिवार में इनके जो है बच्चे हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा तो उम्र के हैं, कम से कम 50 साल से ज्यादा उम्र के जो है वो पति पत्नी बताए जा रहे हैं, जिसके चलते इनके परिवार हैं। और क्या कहते हैं, अगर परिवार की ही बात की जाए तो परिवार को भी उस टाइम पे क्वारंटाइन में रखा गया था, आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन उनके फिलहाल ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है। रिपोर्ट जब सैंपल इनकी बीवी का लिया गया, उस टाइम में ब्लड सैंपल जब पीजीआई से निकलवाया गया, तो उसमें ही जो है वो ये रिपोर्ट सामने आई है कि इनको भी जो है वो कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये पति पत्नी दोनों जो है वो दोनों यूके से आए थे, इकट्ठे आए थे, यानी ये कोई ट्रांसमिशन का मामला नहीं है, लेकिन ये जब बाहर से फॉरेन विजिट का मामला जो है वो नजर आ रहा है। जी बस बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और एक चिंता की बात यह है कि लगातार जो परेशानी का सबब बन रहा है ये कोरोना वायरस, इससे प्रयास तो किए जा रहे हैं बचने के, लेकिन जो लोग इन्फेक्टेड हो गए या किसी किसी कारण से, चूंकि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में जिस तरह ये कोरोना वायरस प्रसार करता है, वो प्रसार के कारण यदि होंगे तो निश्चित रूप से ये ऐसे ही फैलेगा। फिलहाल इसे थर्ड स्टेज में जाने से रोकना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा हम सभी के लिए।